डियर स्टूडेंट्स, चलिए आइए हम लोग चलते हैं। आज क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट साइंस को पढ़ना शुरू करते हैं। आपको जैसा कि पता है, हम लोगों ने लाइफ प्रोसेस यानी कि जैव प्रक्रम नामक चैप्टर को स्टार्ट किए हैं। एक बायोलॉजी का चैप्टर है। चलिए हम लोग इसमें आगे की चीजों को डिस्कस करते हैं, आगे की चीजों को हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हम लोग पिछले क्लास में स्वपोषी पोषण के बारे में पढ़ रहा था और उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि आखिर स्वपोषी पोषण किसको कहा जाता है। तो वे जीव, वे पदार्थ, वे वस्तुएं जो अपना पोषण स्वयं करते हैं, अपना भोजन स्वयं करते हैं, उसको हम लोग स्वपोषण कहा जाता है। जिसमें पौधों के बारे में भी हम लोग डिस्कस किए कि पौधे आखिर भोजन कैसे बनाते हैं, पौधे अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है, पौधों CO2 को कैसे प्राप्त करते हैं, तो इन चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आइए दोस्तों हम लोग पढ़ते हैं विषम पोषी पोषण के बारे में। जैसा कि आपको पता होगा, पोषण दो तरीके से हम लोग पढ़े थे कि पोषण का दो प्रकार होता है, एक का नाम है स्वपोषी और दूसरे का नाम है विषम पोषी। तो स्वपोषी में हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं विषम पोषी के बारे में। तो दोस्तों, विषम पोषी पोषण किसको कहा जाएगा? तो सिंपल वे में, वे जीव जो अपना भोजन के निर्धारण के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर रहते हो, उसको हम लोग कहते हैं विषम पोषी पोषण। ठीक है, अब रहा बात कि सर कौन कौन सी जो जीव है जो दूसरे पर आधारित है, लाइक हम लोग है ना, ह्यूमन बॉडी, मानव, शेर, कुत्ता, यानी कि जो किसी दूसरे पर आश्रित है, गाय, वो भी तो घास खाते हैं, घास मतलब पौधे, प्लांट्स। तो कहने का मतलब कि वे जीव किसी दूसरे अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या, उसको हम लोग कह देते हैं विषम पोषी जीव। और दोस्तों, विषम पोषी में आज हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ मनुष्य के बारे में कि आखिर एक मनुष्य अपना पोषण कैसे करता है, वो भोजन कैसे करता है। जैसे पेड़ पौधों के बारे में पढ़े, वैसे ही हम लोग मनुष्य के बारे में पढ़ेंगे कि हम लोग भोजन खाते हैं तो हम लोगों को एनर्जी कैसे मिलता है, वो भोजन जाता कहाँ कहाँ है, भोजन पहले होता क्या है भोजन का। जैसे हम लोग भोजन डाले तो डालने के बाद कैसे कैसे उसका प्रक्रिया है, अंदर के जो सिस्टम होते हैं, ठीक है, वो उसका एक नाल होता है, उस भोजन वाले नली में जाता है और फिर अंत में पचता है, सब चीज हम लोग बात करेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक्स दीजिए विषम पोषी पोषण। तो वही बात जो समझाए अभी लिखा जाए, वे जीव जो अपने पोषण के लिए किसी अन्य दूसरे जीवों पर किसी अन्य दूसरे जीवों पर आश्रित या निर्भर रहते हो उन्हें विषम पोषी पोषण कहा जाता है, उन्हें विषम पोषी पोषण कहा जाता है। चलिए, तो उन्हें हम लोग क्या कह सकते हैं, विषम पोषी पोषण। जैसे लिखेंगे, जैसे मनुष्य, कुत्ता, शेर, बाघ, गाय आदि। देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जितनी सारी हम एग्जाम्पल्स लिखे हैं, सभी कहीं ना कहीं एक दूसरे पर आश्रित हैं भोजन के लिए,
यानी कि अपना भोजन पेड़ पौधों के जैसा खुद से नहीं बना सकते, खुद पे निर्भर नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम इनको बोल रहे हैं विषम पोषी पोषक। ठीक है, अब रहा बात कि अलग अलग जीव के लिए जो पाचन तंत्र होता है यानी कि भोजन का पचना जो होता है वो अलग अलग होता है, इसीलिए तो दोस्तों किसी जीव को मांसाहारी जीव बोला गया, किसी को शाकाहारी बोला गया और किसी को सर्वाहारी बोला गया। ऐसा क्यों बोला गया दोस्तों? तो उसके अंदर के पाचन शक्ति पर सब कुछ गॉड ने ये फिक्स किया, दैट इज अ प्राकृतिक घटना, ये हम लोग नहीं इसका निर्माण कर सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड है, ये प्राकृतिक है कि अलग अलग जीवों की अलग अलग पाचन तंत्र की व्यवस्था होती है। वो वही निर्भर करता है कि उस जीव में उस जीव का कौन सा भोजन उस पाचन तंत्र के लिए जरूरी है। मतलब कि एक कुत्ता के लिए दोनों चीजें सर्वाहारी, वो मांसाहारी भी है और शाकाहारी, दूध रोटी भी खा सकता है कुत्ता, यानी कि उसका ऐसा पाचन सिस्टम गॉड ने बनाया है कि इस जीव को आप शाकाहारी भी भोजन करवा सकते हो, मांसाहारी भी करवा सकते हो, इसलिए उसको बोला गया सर्वाहारी। लेकिन दोस्तों आप कभी शेर को देखो, कभी बाघ को देखो, कभी लोमड़ी को सियार को देखो, क्या होता है? वो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी जीव है, क्योंकि उनके अंदर गॉड ने ऐसा पाचन शक्ति दिया है, पाचन तंत्र बनाया है कि सिर्फ और सिर्फ उनके अंदर मांस का ही पाचन हो सकता है। ऐसे वो चीज है नहीं, ऐसा नहीं है कि वो चीज वो खा नहीं सकते, तो खा तो लेंगे लेकिन वो पच नहीं पाएगा। तो दोस्तों मनुष्य भी एक सर्वाहारी है, हम लोग मांस भी खा लेते हैं, चावल रोटी दूध भी खा लेते हैं, इसलिए मनुष्य को भी रखा गया है सर्वाहारी जीव में। खैर हम लोगों को सर्वाहारी मांसाहारी शाकाहारी का जिक्र नहीं करना है, हम लोग यहां पे ये देखें कि विषम पोषी जीव किसे कहा जाता है। तो विषम पोषी का मतलब जो जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं वे कहलाते हैं विषम पोषी जीव। पोषण, विषम पोषी पोषण। अब रहा बात कि इसका एग्जाम्पल भी हम लोग कई तरह का एग्जाम्पल कर सकते हैं, हम लोग यहां पे आदि कर दिए इत्यादि आदि जो भी है लिख सकते हैं। फिर अगर बात करें तो ये भी लिख सकते हैं कि अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग पाचन तंत्र होती है। दोस्तों यही कारण है कि जो एक कोशिकीय जीव होते हैं, एक कोशिकीय जीव होते हैं ना, अपना भोजन पूरे शरीर के भाग द्वारा कर लेते हैं, यानी कि भोजन करने के लिए एक कोशिकीय जीव का पूरा शरीर भाग ले लेता है, लेकिन हम लोगों का भोजन करने के लिए सिर्फ मुंह ही तो भाग लेता है, मुंह और अंदर का पाचन तंत्र। लेकिन एक कोशिकीय जीव में जैसे कि अमीबा क्या होता है, तो उनका भोजन बनाने के लिए पूरा बॉडी भाग लेता है, पूर्ण शरीर का पूरा भाग, पूरा सतह भाग ले लेता है। तो चलिए इसके नीचे सेकंड लेवल देंगे, लिखा जाए विभिन्न जीव के पाचन तंत्र भी अलग अलग होते हैं, विभिन्न जीव के पाचन तंत्र भी अलग अलग होते हैं, जैसे उसी में लिखेंगे, जैसे एक कोशिकीय जीव में भोजन संपूर्ण सतह से लिया जाता है। देख पा रहे होंगे कि अभी हम लोग पढ़े ना कि अलग अलग जीवों के लिए अलग अलग पाचन तंत्र होता है, और आपको पता होना चाहिए कि एक कोशिकीय जीव के लिए हम लोग वहां पे उसका पाचन देखेंगे, एक भोजन को करने का सिस्टम देखेंगे
तो पूरा शरीर भाग ले लेता है, जैसे कि अमीबा। तो उसके नीचे फिर से एरो देंगे, लिखेंगे, लिखा जाए अमीबा, अमीबा कोशिकीय सतह से अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्ध, अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्ध, अंगुली जैसे अस्थाई प्रवर्ध की मदद से भोजन बनाते हैं, भोजन करते हैं या भोजन बनाते हैं। जैसे कि हम लोग देखेंगे आप फिगर से कि एक जो अमीबा है ना, वो अपना भोजन कैसे बनाता है। ठीक है, एक अमीबा जो है अपना भोजन कैसे बनाता है, ये अभी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले यहां पे पहला जो प्रोसेस होता है, हम लोग जो है, यह एक अमीबा है। यह क्या है? अमीबा। अमीबा का स्ट्रक्चर ऐसा ही होता है, अंगुली जैसे प्रवर्ध, यानी कि ये अंगुली जैसा प्रवर्ध निकला हुआ रहता है किधर से भी, और उसके बीच में एक केंद्र होता है जिसको हम लोग अमीबा का केंद्र कहते हैं। दोस्तों, इसके बाद इधर एक भोजन रखा हुआ है। ये क्या है? भोजन। अगर आप यहां पे भोजन रख दें तो अमीबा का अगला स्टेप कैसे होगा, जरा देखते हैं। तो अमीबा का जो दूसरा स्टेप होगा, वो इस भोजन को अपने प्रवर्ध की सहायता से, अपनी ये वाला प्रवर्ध जो है ना, वो किधर भी बढ़ा सकता है। यहां से भी वो प्रवर्ध अंगुली जैसा निकाल सकता है। ये अमीबा में का गुण है। तो हुआ क्या कि जैसे ही देखा अमीबा कि यहां भोजन है, तो वो अंगुली जैसे प्रवर्ध देख पा रहे होंगे ना, अपना स्ट्रक्चर बदल दिया। अब इस भोजन को गिरफ्त में, देख पा रहे होंगे हम क्या पढ़े, गिरफ्त में कर सकता है। आपको लग रहा होगा कि ये मुंह है, ऐसा नहीं है, इसको मुंह नहीं समझना है, इसका स्ट्रक्चर हम लोग कैसे भी बना सकते हैं। ऐसे भी एक अमीबा बन गया, ये अमीबा है, ये अंगुली जैसा जो प्रवर्ध है ना, इसी को बढ़ा लेता है भोजन को पकड़ने के लिए। तो जैसे ही भोजन को पकड़ने के लिए जो अपना अंगुली जैसा संरचना बढ़ाता है, इसी को दोस्त बोलते हैं कुटपाद। इसको क्या बोलते हैं? कुटपाद बोलते हैं। ये भी कुटपाद हुआ, ये भी कुटपाद हुआ, यानी कि कुटपाद की सहायता से भोजन को पकड़ने का प्रयास करता है। कौन? अमीबा। ये बी के स्ट्रक्चर में, हालांकि केंद्र तो रहेगा, केंद्र है ये अमीबा का। फिर क्या कर किया तीसरा स्टेप, जरा देख लेते हैं। तो तीसरा स्टेप में ये जो भोजन है ना, उसको अपने गिरफ्त में कर लेता है, यानी कि आप देख पा रहे होंगे ऐसे, अब क्या हुआ, तो यहां पे देख पा रहे होंगे, अब ये जो भोजन, उसके चारों तरफ ना एक खाद रिक्तियां बन जाती है। मतलब रिक्त स्थान का मतलब समझे ना, खाली स्थान होता है। तो यहां चारों तरफ एक खाली स्थान बन जाता है,
और उस खाली स्थान को भरने के लिए ये सेंटर है, केंद्र है अमीबा का। अब इस भोजन को धीरे 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 केंद्र तक लाया जाता है और केंद्र तक आते आते ये भोजन का जो अस्तित्व है वो खत्म हो जाता है। इसलिए डी वाला जो फिगर बनता है वो सिर्फ ऐसे ही बनता है। यहां पे सेंटर आप देख पा रहे होंगे जो हम लोगों का बनता है, आप देख पा रहे होंगे ए के लिए फिगर ये है, बी के लिए फिगर ये है, सी के लिए ये है। आप इस डी वाले फिगर को नीचे बनाइएगा और सबसे नीचे लिखिएगा अमीबा के द्वारा भोजन। यानी कि अमीबा के द्वारा भोजन कैसे होता है, चलिए हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि एक अमीबा रहता है, उसके अंदर का केंद्र देख पा रहे होंगे, बाहर भोजन रखा हुआ रहता है और अपने प्रवर्ध, प्रवर्ध का मतलब उंगली जैसा संरचना, हम लोग कैसे उंगली ये निकला हुआ है, तो वो एक प्लेन होता है, वो अपना जो है ना पार्ट्स को किधर भी, जैसे ये चमड़ा है ना स्किन, तो इसको हम लोग उठाएंगे तो ऐसे बन जाएगा, यहां से बन गया तो ऐसे करके ऐसे दिख रहा है ना स्ट्रक्चर, वैसे ही वो अपना शरीर के पार्ट्स ऑफ बॉडी को आगे बढ़ा सकते हैं। यहां पे वही हुआ कि ये अपने पार्ट्स को बढ़ा लिए भोजन को देखकर उसको पकड़ने के लिए, जब पकड़ने के लिए बढ़ाते हैं तब उसका नाम कुटपाद हो जाता है। यानी कुटपाद की सहायता से अमीबा जो है भोजन को अपने गिरफ्त में कर लेता है और फिर धीरे धीरे ये सेंटर तक आते आते भोजन का अस्तित्व खत्म हो जाता है। इस तरीके से अमीबा अपना भोजन कर लेता है। अगर मान लिया कि इस भोजन को यहां न रख के यहां रखते तो इधर वाला पार्ट आगे बढ़ता और भोजन को अपने गिरफ्त में करता, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अमीबा जो है इस ऐसे ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। चूंकि ये एक कोशिकीय जीव है तो हम अभी वही पढ़े कि एक कोशिकीय जीव जो है अपने पूरे शरीर के अंग को लगा देते हैं भोजन को बनाने में। देखिए पूरा शरीर का अंग भाग ले रहा है इनका, ठीक है। तो इस तरीके से इसका फिगर आप जरूर बना लीजिएगा उसके नीचे। चलिए हम लोग फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक से हम लोगों का कुछ इस तरीके से मनुष्य में पोषण, ठीक है। अब देख लो भाई, अब इतना इंपोर्टेंट टॉपिक्स आया हुआ है, सुन लो एक बार अच्छे से सुन लेना। ये जो टॉपिक्स किए हैं ना, ये बहुत वीवीआई पॉइंट्स है, इसको लिख दो भाई, ये वीवीआई पॉइंट्स। इसमें जितना भी तरह का बात हम लोग एरो देकर सीखेंगे, दोस्तों हम क्या करेंगे उसको, हर एक पॉइंट्स को याद रखना होगा। इसमें इसलिए इसका इंपोर्टेंस है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। मनुष्य में पोषण, अब मनुष्य में पोषण कैसे होता है, तो मनुष्य में पोषण का मतलब क्या, मनुष्य अपना भोजन कैसे करता है, इसका मतलब यही ना हुआ। हम लोग पेड़ पौधे अपना भोजन कैसे करते हैं, कौन कौन सी भोजन करते वक्त घटनाएं होती है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा पेड़ पौधों के बारे में। आज हम लोग पढ़ रहे हैं मनुष्य के बारे में कि आदमी मनुष्य आखिर कैसे भोजन बनाते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्त, इसमें जो टॉपिक्स आप लिखेंगे सबसे पहला जो काम करना है मनुष्य में पोषण को समझने के लिए, यहां पे गोल नहीं घेरना है, मतलब कि हम घेर दिए हैं, यानी कि जैसे ही ये टॉपिक्स लेंगे यहां पे एक फिगर बनाना है, चित्र बनाना है, किसका, तो मनुष्य का पाचन तंत्र। दोस्त ये पाचन तंत्र जो है ना,
ये क्या काम करेगा? तो दोस्तों, मनुष्य में पोषण, मनुष्य जो अपना भोजन बनाते हैं ना, तो अपना भोजन बनाते हैं तो भोजन को सिर्फ मुंह में डाल लेना से आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, जब तक कि अंदर की मशीनें सही ढंग से काम नहीं करे। यानी कि हम लोगों को शरीर के अंदर भी एक स्ट्रेटजी होती है, एक स्ट्रक्चर होता है, जो किसी भी भोजन को जब हम लोग करते हैं तो उस भोजन का पाचन होता है, और सबसे इम्पोर्टेंट रोल वही है, क्योंकि भोजन को खा लेने से आपको एनर्जी नहीं मिलता है जब तक कि उस भोजन पच न सके। आपको पता होना चाहिए, कोई भी भोजन आप करते हैं उसको करीबन 5 से 6 घंटा के बाद ही आपको उसका उपयोग कर पाएंगे। मतलब आप सोचते होंगे कि तुरंत मुंह में डालें और तुरंत एनर्जी मिलना लगेगा, ऐसा नहीं है। इसको करने के लिए आपको ग्लूकोज इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कि सिर्फ ग्लूकोज ही ऐसा मानव के लिए भोजन के रूप में है जिससे तुरंत एनर्जी मिलने लगता है, वो तुरंत काम करता है। इसीलिए दोस्तों, खिलाड़ियों को अक्सर ग्लूकोज पिलाया जाता है, क्यों? क्योंकि उनको अधिक एनर्जी की जरूरत होती है। समझ रहे ना चीजों को? तो हम यहाँ पे ये कहने वाले हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल मनुष्य के पोषण में क्या है? पाचन तंत्र, कि आखिर भोजन पचता कैसे है। भोजन को आप पचना समझ गए ना, आप पूरे बॉडी में 25% पार्ट को आप समझ गए। क्योंकि पाचन का क्रिया, हम सिर्फ ये बोल देते हैं घर में कुछ चीजों को खाकर कि हाँ भोजन पच गया ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है, तो ये आप कुछ नहीं समझ सके। भोजन का पचना में बहुत तरह की चीजें हैं, सभी चीजें लिंक है। हम लोग स्टार्टिंग से सीखेंगे कि आखिर भोजन अगर रखा हुआ है तो एक मनुष्य उसे कैसे इस्तेमाल करता है, क्या क्या रूल्स नियम से उसे गुजरना पड़ता है उस भोजन को, जो आप चावल खाते हैं उसको किस किस रूट से गुजरना पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या काम करना है, मनुष्य का पाचन तंत्र आपको एनसीईआरटी की बुक में फिगर 6.6 में दिया हुआ है। इस टॉपिक्स में देखिएगा, आप एनसीईआरटी का बुक निकालिएगा, उसमें मनुष्य का पाचन तंत्र आहार नल दिया है, अमाशय लिखा हुआ होगा, उसमें गुद्दा लिखा हुआ होगा, है ना, सभी चीजों को डिस्कस करना इस फिगर में। यानी कि पहले यहाँ पे फिगर आपको बना देना है इस टॉपिक्स में अच्छे से। देखो, अब देखो क्या है ना, कि आप बायोलॉजी पढ़ते हो, बायोलॉजी का नाम ही है जीव विज्ञान, और जीव विज्ञान का मतलब जीवों में अध्ययन, और जीवों में अध्ययन दोस्तों आप तो चिड़फाड़ करके ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हो कि हाँ भाई चलो यहाँ पे देख लो अंदर ये मशीन होता है, ये पाचन तंत्र होता है, ये अमाशय होता है, ये किडनी होता है, ये लीवर होता है, ऐसे तो दिखाया नहीं जाएगा। हम लोग चूंकि एक्सपेरिमेंटल तो कर नहीं रहे हैं, कुल मिलाकर हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम लोग एक्सपेरिमेंटल तो कर नहीं रहे हैं, हम लोगों के यहाँ पे थ्योरेटिकल अपने अंदर ऐसा सोचना होगा कि ऐसा भी होता होगा। इसके लिए बायोलॉजी स्टूडेंट ना बायो के लिए जरूर फिगर को ड्रॉ करता है, तो इसीलिए दोस्तों फिगर दैट इज अ मस्ट, और क्वेश्चन में आते भी हैं कि पाचन तंत्र का बना। तो पाचन तंत्र हालांकि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं, एक ही बार पूछा है, ज्यादा पूछता है हम लोगों का बायोलॉजी में तंत्रिका तंत्र का, है ना, तो सब हम लोग बारे में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर बात करें तो यहाँ पे फिगर जो है बना लेना है आपको, पेंसिल की सहायता से फ्रेश फिगर बनाना है, और फिगर को ड्रॉ करके आप जरूर से जरूर मुझे भेजेंगे, ठीक है। फिर हम उस पर मार्क्स देंगे, ये 10 मार्क्स का है, और फिर देखेंगे जिसका सबसे बेस्ट फिगर होगा 10/10 मिलेगा, जिसका नहीं होगा उसको कुछ कम मिलेगा। यानी कि फिगर आपको मस्ट बनाना है, पेंसिल का यूज करना है, एनसीईआरटी के 6.6 में आपको ये फिगर मिल जाएगा। जब आप फिगर बना लेंगे, फिगर बन जाएगा, तब हम लोग उसके नीचे के छोटे छोटे पॉइंट्स करके हम लोग उस फिगर के बारे में सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। तो फिगर बना लेना है, और हम लोग आज समझा देते हैं कि आखिर कोई भी भोजन का हम लोग यूज कैसे करते हैं। भाई मेरे, जैसे आपको कोई भोजन दिया जाता है तो सबसे पहला स्टेशन क्या है,
जिसको उस भोजन को गुजरना पड़ता है, तो उस भोजन को मुंह में आना पड़ता है। पहला का काम क्या है कि अच्छा, दूसरी बात हम लोग पाचन तंत्र में बात कर लेते हैं कि पाचन तंत्र में एक आहार नाल होता है। आप देख लो, घर के ऊपर अगर टंकी अगर लगा रहता है तो टंकी से पाइप को ज्वाइंट करके हम लोग बाथरूम में, टॉयलेट रूम में, हम लोग उसमें नल को फिट करते हैं और पानी उससे होते हुए आ जाता है। दोस्तों, हमारे अंदर भी, हमारे शरीर के अंदर भी उसी टंकी से जुड़ा हुआ एक पाइप होता है जिसको आहार नाल कहते हैं। ठीक है, अब वो टंकी का काम करता है हमारा मुंह आ। ठीक है, ये टंकी है। हाँ, ये अलग बात है कि इस टंकी में हमेशा भोजन नहीं रहता है, समय पर टंकी में पानी डालिए तब यूज कीजिए, आहार नाल का यूज होगा। यानी कि सेम कंडीशन, अगर जैसे कि आप पाइप होता है वैसे ही भोजन को जाने के लिए, भोजन को जाने के लिए एक हमारे अंदर यहां से ट्यूब होता है और उस ट्यूब को हम लोग आहार नाल कहते हैं। और वो आहार नाल कहां से शुरू होता है? मुंह से शुरू होता है। मुंह से शुरू होता है ऐसे, आप फिगर बनाएंगे ना तो क्लियर हो जाएगा, ऐसे, और अंदर बहुत सारे छोटे 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 आंत होते हैं और वो आंत छोटे 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 होते होते गुद्दा तक लास्ट करता है। गुद्दा भी एक शरीर के अंदर का भाग है, जैसे किडनी, लीवर, ये सब अंदर का भाग है ना, वैसे ही दोस्तों एक गुद्दा भी शरीर के अंदर का भाग है जो भोजन का लास्ट छोर है। यानी कि आप समझो कि आहार नाल ही शरीर के अंदर का सबसे बड़ा भाग है, यानी इतना लंबा भाग है कि जब आप उसको लंबा करेंगे तो कई मीटर रो लंबा हो जाएगा आहार नाल। तो ये इस तरीके से व्यवस्थित रहता है, सभी इस तरह के लपेटे में करके फिट की गई होती है। हम लोग ये सीख रहे हैं कि शरीर के अंदर का एक बड़ा भाग है जिसको आहार नाल कहते हैं। अब आहार नाल कहां से जुड़ा हुआ है? हमारे शरीर मुंह से, यानी कि यहां से मुंह से लेकर वो गुद्दा तक के लास्ट करता है। तो दोस्तों, अब जब कभी भी भोजन को हम देखते हैं या भोजन करते हैं तो सबसे पहला उसको प्रोसेस होता है, पहला उसको गुजरना पड़ता है, हमारा दांत से कॉन्टेक्ट होता है। आप पूरे के पूरे भोजन को आप निगल नहीं सकते हैं क्योंकि आहार नाल जो होता है ना, आहार नाल एक बहुत पतला आहार नाल होता है, बहुत पतली नली होती है जिसमें हम लोग भोजन को क्रॉस कराते हैं। ठीक है, अब दोस्त दांत का इसमें काम क्या है कि भोजन को टुकड़ा 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 कर देना। ठीक है, क्यों? क्यों टुकड़ा टुकड़ा कर देने से भोजन का एक छोटा छोटा कण हो जाए, और छोटा छोटा कण हो जाए सिवाय उसको उस नली में गुजरने में आसानी हो। लेकिन दोस्तों, सिर्फ आप टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे ना फिर भी वो नली में नहीं जाएगा, आप चाहे लाख दरमियान टुकड़ा टुकड़ा कर दो। इसका मतलब हम ये बोल रहे हैं कि आप अगर दोस्तों कितना भी टुकड़ा टुकड़ा वाला भोजन ले लें, लेकिन जब तक उस भोजन को एक दो बार अंदर मुंह में लपटाएगा नहीं, जब कभी भी आप पक्का की ढलाई होती है तो मिक्सर मशीन क्या करता है, सीमेंट बालू सबको मिलाता है, वैसे ही दोस्तों आपको हम कितना भी टुकड़ा टुकड़ा भोजन कर देना आप तुरंत नहीं निगल सकते हैं, एक दो बार जिप से उसको जरूर उलटिए पलटिएगा। क्यों? क्योंकि उसका भी जरूरत है हमारे जीभ से, हमारे जीभ से एक लार एंजाइम, एमिलेस इसको बोलते हैं, लार में कौन सा एंजाइम होता है, एमिलेस एंजाइम, सबके बारे में हम बताएंगे, टेंशन नहीं लीजिए, अभी सुन लीजिए, सब चीज लिखवाएंगे भी। तो लार में एक एमिलेस एंजाइम होता है। ठीक है, वो एंजाइम क्या हुआ, भोजन को जैसे हम लोग टुकड़ा टुकड़ा किए तो उसको लपेटने का काम करता, उसको मिलाने का काम करता, उस मिलाने व मिलते वक्त, भोजन मिलते वक्त लार भी शामिल हो जाता है। अब लार शामिल हो गया, वो लार मिलकर भोजन को चिकना बना दिया। दोस्तों यही कारण है कि उस नाल में
भोजन जो है आसानी से चिकना के वजह से गुद्दा तक पहुंच जाता है, पाचन तंत्र तक पहुंचती है। समझ में आ रही है चीजें? यानी कि हम ये कहना चाह रहे हैं कि सबसे पहले भोजन को मुंह में लिया जाता है, उसको टुकड़ा टुकड़ा किया जाता है, टुकड़ा टुकड़ा करने के बाद वो जीभ के द्वारा उसको उल्टा पलटा जाता है और दोस्तों वो उसमें लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है और उसकी सहायता से वह भोजन चिकना हो जाता है और भोजन चिकना होने के कारण वो नली में आसानी से गुजर जाता है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, दूसरी बात, आपके कभी कभी साथ ऐसा हुआ होगा कि भोजन अटकने के लिए, आपको जानकर आश्चर्य होगा बहुत सारे लोगों को भोजन अटकने से टू दी प्वाइंट मौत हो गई है। भोजन अटकता है, अब अटकता कैसे है? या तो भोजन को आप जल्दी जल्दी कर रहे हैं, यानी हड़बड़ी कर रहे हैं, इसीलिए शास्त्रों में इसका भी लिखित वर्णन है कि आप भोजन का भी एक करने का तरीका होना चाहिए। भोजन को आराम से बैठकर, भोजन को हड़बड़ में नहीं, आराम आराम से पूरा भोजन को चबाकर करना चाहिए ताकि पाचन शक्ति और अच्छा हो सके। तो दोस्तों हम ये बताना चाह रहे हैं कि बहुत सारे लोगों की ना टू दी पॉइंट ऑटोमेटिक अचानक उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी शरीर में, एकदम बिल्कुल तंदुरुस्त फिट, लेकिन जब वो खाने बैठे तो भोजन को अटकने से उनकी मौत हो गई। भोजन को अटकने से, तो ध्यान रहे भोजन अब अटकता कैसे? तो पहली बात, जब आप हड़बड़ में कर रहे होंगे तो भोजन जो है टूटा भी नहीं होगा, दांत सब पर गया नहीं होगा, सब भोजन को टुकड़ा टुकड़ा नहीं किया होगा और आप निगलना शुरू कर दिए तो उसमें लार जो है सम्मिलित नहीं है, तो जब लार सम्मिलित नहीं है तो यहां अटकने का महसूस होता है, लेकिन वो यहां पे भी अटकता है, यहां पे भी अटकता है, यानी कि वो नली में कहीं ना कहीं फंस जाता है। अब जो फंस जाता है तो सिवाय हमें श्वास, मतलब अकबकाहट हो जाता है जल्दी। कभी आपके साथ हुआ होगा, कभी अटका होगा ना भोजन, तो आप देख लो तो कितना जल्दी में, या फिर हिचकी का आना, ये भी संदेह करता है कि आपके आहार नाल में कोई भोजन जो है में प्रॉब्लम है। इसलिए आप पानी पीते हो तो प्रेशर से जब आप निगलते हो, प्रेशर देते हो तो वो भोजन जो है प्रेशर से अंदर चला जाता है, पाचन तंत्र में चला जाता है। तो मेरा कहने का मतलब दोस्तों कि हमेशा भोजन किया कीजिए ना, ग्लास पानी लेकर बैठा कीजिए, है ना। तो हम लोग यहां सीखे कि भोजन का जो निर्वहन होता है वो आहार नाल से गुद्दा तक होता है। सबसे पहला काम भोजन को चबाकर, दांत उसको चबाकर टुकड़ा टुकड़ा कर देता है, फिर इसमें जीभ का काम होता है लार मिलाना। लार अगर भोजन में मिल जाता है फिर आहार नाल से वो पास आउट होता है। तो दोस्तों ये सब सारा जितना चीज समझाए हैं आज, कल हम इन्हीं चीजों को नोट करेंगे। फिलहाल आपको काम करना है इस टॉपिक्स में ये फिगर को ड्रॉ करके हमको दिखाना है, ठीक है। तो ये फिगर का ड्रॉ करने का आज पहला वक्त है, आप इसको जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आज के क्लास को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।